नमस्कार, आपका स्वागत है ATN लाइव में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर ASM कॉलेज रोड स्थित लोकपाल शाह के घर में घुसकर अपराधियों ने 15 राउंड गोली फायरिंग की, 3 लोग घायल। भागलपुर में अपराधियों का हौसला चरम सीमा पर है। अपराधी घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बरारी थाना क्षेत्र के ASM कॉलेज रोड की है, जहाँ जमीनी विवाद को लेकर लोकपाल शाह के घर में घुसकर अपराधी ने 15 राउंड गोली फायरिंग की, जिसमें से लोकपाल शाह के पुत्र ऋतिक सिंह, हनी सिंह, रिंकू घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ASM कॉलेज इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। घटना स्थल से दर्जन भर खोखे बरामद हुए हैं। अब सवाल यह है कि शहर के बीचों बीच पुलिस OP के सामने घर में घुसकर अपराधी कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं? आखिर अपराधी में पुलिस का भय क्यों नहीं है? फिलहाल घटना की जांच ASP CT पूरन झा, बरारी थाना पुलिस और जोगहर थाना पुलिस की पुलिस कर रही है। कौन आया था? कौन आया था? हम बबाड़ी में जो पार्टी को पकड़िए का सब बता दे कौन है। ठीक, कौन है पार्टी? पार्टी लड़ान है, पिंकी कुमारी है, आई इधर कुंजी नाम है, वो मुथुनमा है। पकड़ के ले जाइए, सब पकड़ा देगा कौन है। भागलपुर टॉपर सब तीन नंबर सब आया था। भागलपुर का टॉपर सब तीन नंबर है। किस चीज का मामला है? कोई चीज का मामला हम लोग से नहीं है। तो फिर गोली क्यों चला है? गोली चला सुबह आया, जमीन हाईकोर्ट का डिग्री है, हाईकोर्ट खाली करवा दिया, मैं इसके ताला लगा दिया, ताला लगा कर अब लोग ताला तोड़ के घुस गया। ताला तोड़ने घुसने बाद जमीन अगला बेच दिया मेरे पास, घर के बगले की जमीन है। बाहरी आदमी भैया कोई भी ले सकता था। अगला बोला नहीं देंगे, आपको देंगे, चले हम जमीन नहीं लेंगे, बोला लो, इसीलिए घर जाते भैया। गोली किसको किसको लगा? गोलू को लगा है, हनी को लगा है, रिकू लगा है। कितना को फायरिंग हुआ? कितना? 15 फायरिंग, 6 आदमी था। दिखाएंगे सब भुंजा, दिखाएंगे रखे हैं सब भुंजा, दिखाएंगे अभी मगर नहीं देंगे। जी खंजरपुर में अभी दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें 3 लोगों को पैर में गोली लगी है। सर कैसे इस पौस इलाके में OP के सामने ये घटना घटी है? सर प्राइमरीली बताया जा रहा है कि कुछ जमीनी विवाद है जो इनके बीच में चला आ रहा था, उसी संदर्भ में भी ये घटना हुई है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए अपराधी अभी FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर।